सब्सक्राइब करें जुम्मा किचन को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले फ्री में पहुंचें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जुम्मा किचन। आज हम अपने किचन में पकौड़े बनाने जा रहे हैं, वो भी मिक्स वेज पकौड़े। तो इस पकौड़ों के अंदर आप जो चाहें अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन जो मैं आज पकौड़े बना रही हूँ बेसिक पकौड़े हैं मिक्स वेज के, जिनमें आलू, प्याज और पालक डलता है। इनकी क्वांटिटी भी आप अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लेके इनको रफली चॉप कर लिया है, दो आलूओं को लेके इनको भी रफली चॉप कर लिया है, एक कप मैंने ये पालक लेके इसको भी चॉप कर लिया है, एक कप बेसन है। बेसन की क्वांटिटी जब हम इनका बैटर बनाएंगे तो हम तब देखेंगे, वैसे मैंने अभी एक कप लिया है। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, 1/4 टी स्पून मैंने ये अजवाइन ली है, 3 हरी मिर्चों को मैंने काट लिया है, 1 टी स्पून मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है, साबुत धनिया होता है इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा कूट लिया है, 1 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च और 1 ही टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो पकौड़ों का बैटर बनाने के लिए मैंने एक मिक्सिंग बोल लिया है और इसके अंदर सभी वेजिटेबल्स को मैं डाल लेती हूँ। प्याज, आलू, पालक, हरी मिर्च, लाल मिर्च, जीरा, अजवाइन, कुटा धनिया और नमक। पहले मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, फिर इसमें मैं बेसन डालूंगी। सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम डालेंगे इसके अंदर बेसन। इसका बैटर हमने अलग से बेसन का नहीं बनाया है, हम इसी के अंदर डालेंगे क्योंकि सब्जियां जो हैं काफी पानी छोड़ती हैं। इसको अब हम हाथ से मिक्स करते जाएंगे, पानी हम बहुत थोड़ा सा डालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो हम बेसन और डाल देंगे। ये हाथ से मिक्स करूंगी मैं, पहले स्पून से मिक्स कर लेती हूँ। मैंने पूरा कप बेसन डाल दिया है, अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मिक्सचर पकौड़ों का तैयार कर लेती हूँ कि इसमें अच्छी बाइंडिंग आ जाए। लेकिन बहुत ज्यादा बेसन नहीं होना चाहिए, पकौड़े अच्छे नहीं लगते। अगर आपको ज्यादा क्रंची पकौड़े पसंद है तो आप थोड़ा सा इसके अंदर 1/4 कप चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए पकौड़ों का मिक्सचर तैयार हो गया है, ये देखिए बिल्कुल सही है ये। और जिस वक्त आपको पकौड़े बनाने हो बिल्कुल उसी टाइम आप बेसन मिलाइएगा। अगर आप पहले से मिला के रख देंगे तो वेजिटेबल्स पानी छोड़ देंगी और आपका जो ये मिक्सचर है वो रनिंग हो जाएगा, यानी पतला हो जाएगा। तो बिल्कुल पकौड़े बनाने के टाइम पर हम इसको मिक्स करेंगे। अब मैंने कढ़ाई ली है और उसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, बहुत तेज गर्म नहीं करेंगे हम। अगर आप चाहें तो पकौड़ों को हाथ से बना ले, मैं स्पून से डाल रही हूँ। पहले मैं एक डाल के इसका टेम्परेचर चेक कर लेती हूँ। अब ये ऑयल थोड़ा सा ठंडा है, जरा सा इसको और गर्म करेंगे फिर मैं और डालूंगी। हम मीडियम साइज के पकौड़े बनाएंगे, मैं स्पून के हिसाब से ले रही हूँ। हम दो बैचेस में पकौड़ों को बनाएंगे, अब हम इनको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे ताकि जो भी हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से टेंडर हो जाएं। अब हम अपने पकौड़ों की हल्के हाथ से साइड चेंज कर देते हैं, ये देखिए। इन्हें हमें इतना फ्राई करना है कि इनका कलर बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए। सभी पकौड़ों को की साइड में चेंज कर देती हूँ। पकौड़े हमारे तैयार हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा इनके ऊपर कलर आया है। अब हम इनको एक किचन टावल पर निकाल लेते हैं, ये देखिए।
एक बैच हमारा तैयार हो गया है, इसी तरह से हम दूसरे बैच के भी पकौड़े तैयार कर लेते हैं। बहुत अच्छी और बेहतरीन इनमें से खुशबू आ रही है। अब मैं अगले बैच के बना लेती हूँ। अगर आप स्पून से डालने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथ से भी इसको डाल सकते हैं। तो देखिए हमारे दूसरे बैच के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं। अब इन्हें भी हम अपने किचन टावल पर निकाल लेते हैं। तो देखिए तैयार हैं हमारे मिक्स वेज पकौड़े, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान। आप एक बार मेरी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये सिंपल मिक्स वेज के पकौड़े कैसे लगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।